हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की कैप बनाना सीखेंगे। इस कैप मैंने दो लाइनों की डिज़ाइन डाली है, इसमें तीन लाइनों की डिज़ाइन डाली है और मैंने इसमें मोती लगाए। जो हमने पिछले वीडियो में जो पोशाक बनाई थी उसे मैंने मोतियों से डेकोरेट किया है। इस पोशाक का बनाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी आप इसे बनाना देख सकते हैं। मैंने इसके बाजू पे और चारों तरफ घेरे पे भी मैंने इसमें मोती लगाए। ये मोती हमने 12 और 2 नंबर के लिए हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जो ये पोशाक बनाई थी, इस पोशाक को आज हम मोतियों से डेकोरेट करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने 12 और 2 नंबर के सफ़ेद मोती लिए। सबसे पहले हम सुई में रेड कलर की ऊन को पिरो लेते हैं। फिर यहाँ बाजू में हम बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह हम इस यहाँ पे इसमें नोट लगा देते हैं। फिर इसके सेंटर में सुई को इस तरह डालते हैं और एक मोटा मोती 12 नंबर वाला और एक 2 नंबर वाला सुई में पिरो लेते हैं। इस तरह पिरो लेते हैं। फिर हम 2 नंबर वाले मोती में वापस से सुई को नहीं डालेंगे और 12 नंबर वाले मोटे वाले मोती में हम सुई को वापस डाल के इस तरह खींच लेते हैं। बाजू पे इस तरह नोट लगा के इसे हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। पीछे जाके इस पर हम नोट लगा देते हैं। अब इसे हम यहाँ से कैंची से काट लेते हैं। इस तरह हमारे बाजू पे मोती लग जाता है। इसी तरह हम इसमें दूसरी बाजू पे भी लगा लेंगे। अब हम घेरे पे मोती लगाते हैं। घेरे पे लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे इसमें एक नोट लगा लेते हैं। नोट लगाने के बाद इस तरह हम इसके किनारे पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एक तरह इस तरह एक बार नोट लगा लेते हैं। फिर हम दोनों मोती पिरो लेते हैं। फिर मोटे वाले मोती में से सुई को वापस निकाल लेते हैं और इन दोनों को इस तरह खींच के यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। टाइट होने के बाद यहाँ पे हम वापस एक नोट लगा देते हैं। हमने नोट लगा दी। अब हम पीछे से इस तरह सुई को ले जाते हैं और जितना हम दोनों मोतियों के बीच में गैप रखना चाहते हैं उतना हम गैप रख लेते हैं। यहाँ पे हम वापस से फिर निडल से नोट लगा देते हैं। वापस से हम दोनों मोती ले लेते हैं। मोटे वाले मोती में से हम सुई को निकाल लेंगे और अपने इस तरह खींच के इसको टाइट कर लेते हैं। वापस से हम यहाँ पे नोट लगा देते हैं। कुछ इस तरह हमारे ये मोती लग जाते हैं। अब हम इस पूरे घेरे में मोतियों को लगा लेते हैं और दूसरी बाजू पे भी लगा लेते हैं। सभी जगह मोती लगाने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। हमने दोनों बाजुओं पे भी लगा लिए मोती। अब हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। अब हम इस तरह की कैप बनाना सीखेंगे। इस तरह
तरह की कैप बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों कलर की ऊन लेंगे। रेड कलर की ऊन के अंदर हमने यहाँ पे छोटे वाले दो नंबर वाले मोती पिरो लेते हैं। हम ये इसमें 24 मोती पिरो लेते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर की ऊन से सिंगल ऊन से 24 फंदे डाल लेते हैं। हम 24 फंदे डाल लेते हैं। अब हमने सिलाई में 24 फंदे डाल लिए। अब इसमें हम 5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे। ये पहली सिलाई, इसके बाद में 4 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी निकाल लेते हैं। 4 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी निकाल के हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें हमने 5 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 5 सिलाई निकालने के बाद इसमें इस तरह हमारे 2 लाइन बन जाती है। अब हम हमारी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में हमें सभी फंदों का 1 का 2 करना है। तो 1 का 2 करने के लिए वही हम पहले पीछे से बनाएंगे, फिर आगे से बनाएंगे। इस तरह हम 24 फंदे के 48 फंदे कर लेंगे। 1 का हमको 2 बनाना है। पूरी सिलाई हम इस तरह निकाल लेंगे। इस तरह हमने सभी फंदे 1 के 2 करके पूरी सिलाई बना ली। अब इसमें हमारे 48 फंदे होंगे। अब हम इसमें उल्टी सिलाई निकालेंगे। ये पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी। इस सिलाई के बाद हम इसमें 1 सीधी और 1 उल्टी सिलाई निकाल के इस तरह इसमें लाइन पूरी कर लेते हैं। इस तरह हम इसमें 3 सिलाई निकाल लिए। कुल 4 सिलाइयाँ निकलती हैं। 1 तो जिसमें हम 1 का 2 करते हैं और ऊपर 3 सिलाई और निकाल लेते हैं। इस तरह हमारी ये इस तरह बन जाती है। अब हम इसमें अगली सिलाई में हम पहला फंदा सीधा बनाते हैं, फिर हम जाली डालते हुए 2 का 1 करेंगे। तो जाली डालने के लिए जैसे हम ऊन को आगे करते हैं तो साथ में हमारे 1 मोती को ले लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। 2 का 1 कर देते हैं, साथ में हमारे मोती भी आ जाता है। वापस से हम अगला मोती लेंगे, ऊन को आगे करेंगे, साथ में मोती को इस तरह आगे करेंगे और हम 2 का 1 कर देते हैं। फिर वापस से हम 1 मोती लेंगे, ऊन को आगे करेंगे, साथ में मोती को भी और 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हम रो को भी इस तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह में पूरी सिलाई निकाल लेते हैं सीधी। हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। पहला फंदा हमने उल्टा बनाया, दूसरा भी उल्टा, और हमारे जाली का फंदा आ गया। जाली के फंदे को हम इस तरह बना लेते हैं। अगला फंदा बनाने से पहले इस मोती को इस तरह आगे कर लेते हैं, फिर हम अगला फंदा बनाते हैं। जाली के फंदे को हमने बना लिया, फिर हमारे मोती को इस तरह हाथ से पीछे की तरफ करके फिर इस फंदे को बनाते हैं। जाली के फंदे को बना लेते हैं, मोती को इस तरह पीछे करके और फिर फंदे को बनाते हैं। फिर से जाली का फंदा बना लिया, फिर इस मोती को हम इस तरह पीछे करते हैं और फिर अगले फंदे को बना लेते हैं। इस तरह हम ये पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। इस तरह हमने उल्टी सिलाई भी निकाल ली। अब हम वापस से सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में बनाने से पहले 1 मोती को हम यहाँ पे इस तरह आगे ले आते हैं, फिर हम इस पूरी सिलाई को हम सीधा निकाल लेंगे। हमारी पूरी सिलाई अब सीधी निकल जाएगी। 1 मोती को यहाँ इसलिए एक्स्ट्रा लाते हैं, जब हम लास्ट में सिलाई करते हैं तो वहाँ पे हमारे खाली खाली नहीं रहता है, इसलिए हम 1 मोती को यहाँ पे एक्स्ट्रा ले आते हैं। अब इस तरह हम इसमें 1 सीधी 1 उल्टी और 1 सीधी सिलाई निकाल के 3 सिलाई पूरी कर लेंगे। अब हमने इसमें 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। चौथी सिलाई हमारी उल्टी है। उल्टी सिलाई में हम जिस तरह हमने 1 का 2 किया था वैसे अब हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। सभी फंदों को हम 2 का 1 करते चलेंगे। फिर हम 2 का 1 कर देंगे, वापस से हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। इस तरह हम इस सिलाई को भी पूरा कर लेते हैं। अब हमने सीधी सिलाई निकाल ली, वापस से हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम अपनी वही पोशाक की तरह डिजाइन डालेंगे। शुरू में हम 3 फंदे बनाते हैं, चौथे फंदे को हम 2 बार ऊन से लेते हैं, फिर हम 5 फंदे बनाएंगे। हमें 5 फंदे की डालनी है इसमें डिजाइन। 4 और ये 5 फंदे डालने के बाद वापस से हम ऊन को 2 बार लेते हैं।
फिर पांच फंदे बनाते हैं। इस तरह हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है, हम अपनी पोशाक की तरह इसमें क्रीम कलर की ऊन जोड़ेंगे। शुरू में हमने लास्ट में दो फंदे बचे थे तो हम क्रीम कलर के दो फंदे बनाएंगे। तीसरा फंदा हमारा खुल जाएगा जो बिना बना रहेगा, फिर पांच फंदे बनाने हैं हमको, क्योंकि हमने पांच फंदों की डिजाइन डालनी है। इसमें पांच फंदों की डिजाइन डालनी है। ये डिजाइन हम अपने वापस से हम इसमें वही पांच सिलाइयाँ निकाल लेंगे, चार क्रीम कलर की और एक रेड कलर की। ये डिज़ाइन के लिए मैंने इस पोशाक का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हम इसमें पांचों सिलाई निकाल लेते हैं। अब हमने पांचों सिलाई निकाल ली है, वापस हम उल्टी सिलाई में आ गए। अब हम इसमें हमने फंदे नहीं बढ़ाने, सिर्फ हमारी फली की जगह चेंज करेंगे। जो पांच फंदे के बीच का जो फंदा है उसमें वहाँ पे फली बनेगी और बाकी के फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो शुरू में हम तीन फंदे बनाए थे हमने, तो ये पहला फंदा तो हम बना नहीं सकते फली का, इसलिए हम शुरू में छः फंदे बना लेंगे। दो तीन चार पाँच और ये छः। छः फंदे बनाने के बाद हमारा ये बीच में पांच फंदों के बीच का फंदा आ गया, तो इसको हम वापस से दो बार करके बनाएंगे। फिर हम वापस से पांच फंदे बना लेंगे, चार और ये पांच। पांच फंदे बनाने के बाद वापस से हम उनको डबल कर लेंगे। और अब वापस से पूरी सिलाई निकाल लेंगे, और पूरी सिलाई निकालने के बाद हम वापस से ये पांच सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। अब हमने इसमें पांच सिलाइयाँ निकाल, पांच सिलाई निकालने के बाद अब हम इसमें पोशाक में तो हमने फंदे बढ़ाए थे, अब इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो फली के पास वाले दो फंदे हैं इनका दो का एक करेंगे, और जो हमारे पांच फंदों के बीच का ही फंदा है इसमें उनको दो बार लेके हम अगली फली बनाएंगे। तो शुरू में हम इसमें फली हमारी यहाँ पे ये दो का एक होगा, यहाँ पे ये तीन फंदे बनाने पर चौथा फंदा हमारा उनको डबल करके बनाएंगे। एक दो और ये तीन फंदे हमने बना लिए, चौथे फंदे को हमने उनको डबल करके बनाया। फिर हम दो का एक कर देंगे, फिर हम फली के फंदों का एक का एक बना लेंगे, फिर हम दो का एक कर देंगे। इस अगले फंदे को हम दो बार करके बनाएंगे, फिर हम दो का एक कर देंगे। फिर फली का फंदा आ गया, उसको ऐसे कैसे बना लेंगे, फिर दो का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को उनको दो बार करके बना लेंगे। फिर हम वापस से दो का एक करेंगे, फिर हमारा फली का फंदा आ गया, इसको एक बना लेंगे। फिर वापस से दो का एक करेंगे और इस फंदे को हम उनको दो बार करके बना लेंगे। इस तरह हमारी ये लास्ट के दो फंदों को हम ऐसे कैसे बना लें, ये हमारी रो कंप्लीट हो गई। वापस से हम अपनी लो अगली रो में आ गए। अगली रो हम क्रीम कलर की ऊन से बनाएंगे। तो शुरू में हमने दो फंदे सीधे बनाने, एक एक दो, फिर ये फंदा खुल जाएगा। फिर हमारे अब तीन फंदे बनेंगे, एक दो और ये तीन फंदे। पाँच से हम तीन पे आ गए, ये फली खुल गई। वापस से इस रो को हम पूरा कर लेते हैं। हम इसमें हमारी सीधी सिलाई निकाल ली और उल्टी सिलाई को भी हम सीधा निकाल लेते हैं, जैसे हमेशा हम निकालते हैं। इन हम इसकी जो तीसरी सिलाई है क्रीम कलर की, उसमें हम वापस से फंदे कटाएंगे। तो शुरू में हम दो फंदे थे, दो का एक कर देंगे शुरू में। तो रेड कलर के फंदों को ऐसे कैसे उतार लेंगे, अभी बीच में तीन फंदे हैं, इनको तीन का एक करना है। इनको तीन का एक करने के लिए बीच वाले फंदे को हमारी इस वाली सिलाई में डालते हैं, और इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल देते हैं, वापस इस सिलाई में डाल लेते हैं। फिर इन फंदों को हम इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देते हैं इस तरह, और इस फंदे को इसके आगे करके इस तरह में इसको दो का एक कर लेते हैं। वापस से हमने रेड कलर का फंदा उतार लिया। अब वापस से हम बीच वाले फंदे को तो अपनी इस वाली सिलाई में डालते हैं, और इन दोनों इस वाले फंदे को अब इस सिलाई में से निकाल देते हैं, और वापस से इसमें से इस तरह हम डाल लेते हैं। तो पीछे दोनों फंदे आ गए, इस वाले फंदे को हम इसके ऊपर से उतार देते हैं, इस सिलाई को इस वाले फंदे को इसमें इस तरह सीधा डाल के उनको हम दो का एक कर देते हैं। वापस से हम इस फंदे को उतार लेंगे, वही हमारे तीन फंदे आ गए। बीच वाले फंदे को हम इस वाली सिलाई में लेते हैं, इस वाले फंदे को इस सिलाई से निकाल के और फिर वापस इस सिलाई में डाल लेते हैं। इस वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देते हैं, इसको इस तरह सीधा डाल के ये वापस हम दो का एक कर देते हैं। इसको उतार लेंगे हम, ये वापस से हम यहाँ पे दो का एक कर देते हैं। लास्ट वाले फंदे को बना लेते हैं। अब इसकी हम उल्टी सिलाई वापस से हम अपनी सीधी सिलाई की तरह निकाल लेते हैं। इसमें हमने हमारी उल्टी सिलाई निकाल ली, हम यहाँ से हम हमारे क्रीम कलर की उनको कट कर देंगे।
हम वापस से रेड कलर की ऊन से हमारी पांचवी सिलाई बनाते हैं। जो पांचवी सिलाई बनाएंगे तो हमें सभी फंदों को दो का एक करना है। तो मैंने पहला वाला फंदा दो का एक कर दिया रेड कलर की ऊन से, ये मैंने दो का एक कर दिया। फिर अगला फंदा भी हम दो का एक कर देंगे और फली को देख लेंगे, हमारी फली इस तरह घुमा लेंगे, इसमें घुमा के हम इसमें दो का एक कर देंगे। अगले को भी हम दो का एक कर देंगे, अपनी फली को घुमा लेंगे इस तरह, हम इसे दो का एक कर देते हैं। फिर वापस से हमें फली को घुमा के दो का एक कर देते हैं। लास्ट वाले के क्रीम कलर के फंदों को दोनों को हम दो का एक कर देते हैं। अब इसमें हमारे पांच फंदे बच गए। पांच फंदों में हम ये उल्टी सिलाई उल्टी निकाल लेंगे। पांच वो हमारे पांच फंदे बन जाते हैं। पहले फंदे को हम सीधा बना लेंगे, तीन का एक कर देंगे बीच वाले पिन पर। बीच वाले फंदे को हम दूसरी सिलाई में डाल लेते हैं, निकाल के पीछे वाली सिलाई में डाल लेंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह हम इसको ऊपर से उतार देते हैं और वापस से हम फंदे को सीधा डाल के दो का एक कर लेते हैं और इस फंदे को हम सीधा ही बना लेते हैं। अब उल्टी सिलाई में हम तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, तीन का एक ही कर देंगे। इस तरह हमारा ये कैप बन जाती है। अब हम इसको ऊन को यहाँ से हम कट कर देते हैं। बनने के बाद हमारी कैप कुछ इस तरह हो जाती है। इस कैप ने हमने दो लाइन बनाई थी, इसमें मैंने तीन लाइन बनाई। अब हम इसको सिलेंगे। सिलने के लिए सबसे पहले हम सुई में रेड कलर की ऊन को डाल देते हैं। सिलने के लिए हम इन मोतियों को इस तरह बाहर निकाल लेते हैं। हमने जहाँ पे एक का दो किया था वहाँ भी हमारी इस तरह छोटी सी जाली पड़ जाती है, और जहाँ पर हमने दो का एक किया था वहाँ भी छोटी जाली पड़ जाती है। तो हम इन दोनों को इस तरह कर लेंगे, दोनों को इस तरह मोड़ लेते हैं। और यहाँ से हम इसमें मैंने यहाँ पे एक नोट लगा दी। इसमें इसके इसमें पहले वाले छेद में डाल लेते हैं, इसके यहाँ पे देख के इधर भी ऊपर वाले में छेद है डाल लेते हैं, और इस तरह इसके इस वाले में डाल लेंगे और इसमें इस तरह डाल लेंगे। इसको ज़्यादा खींच के नहीं करना है, हमको हल्के हल्के हाथ से मोतियों को निकालते जाएंगे। और यहाँ पे हम इस वाले हिस्से में डालेंगे और ऊपर इस वाले हिस्से में डालेंगे। इससे देखो ऊपर ये हिस्सा है इसमें डालेंगे मोतियों को, तो इस तरह हम निकाल लेंगे। जो इसमें घटाते हैं वहाँ पे एक छोटी सी जाली हो जाती है उसमें डालेंगे, और पीछे वाली जाली है इसमें हम इस तरह डाल लेंगे, हल्के हाथ से खींच लेंगे। अब पीछे की जाली में हम इस तरह डालेंगे और आगे वाली जाली में हम यहाँ आ जाते हैं ऊपर। इस तरह हम इसको पूरा सिल लेते हैं। जाली में डालेंगे हम, ऊपर वाली जाली में लाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर वाली जाली में डालेंगे हम, नीचे वाली जाली में इस तरह ले जाएंगे। इस तरह हमारा आगे का हिस्सा सिल जाता है। इन मोतियों को हम इस तरह हाथ से निकाल लेते हैं, सभी आ जाते हैं। उसको हम यहाँ लास्ट तक सिल लेते हैं। यहाँ पे सिलते हम लास्ट तक आ गए। अब हम इस कैप को उल्टा करेंगे इस तरह, यहाँ पे दोनों हिस्सों को इस तरह पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इस तरह हम यहाँ पे आगे के हिस्से को सिल लेते हैं। एक बार इधर से डालते हैं, दूसरी बार इधर से डालते हैं। इन दोनों हिस्सों को लेना है, दोनों हिस्सों को इस तरह ले लें। इस तरह लेने के बाद हम इस वाले मोती में निडल डाल लेंगे और वापस से इस तरह इसमें डाल देते हैं।
वापस से हमारा पूरा आगे का हिस्सा सिल गया। हम पीछे का हिस्सा सिलेंगे, वापस से हम यहाँ पे आ गए अपने, इस तरह हम डाल लेंगे। अब ये ऊपर का हिस्सा सिलेंगे, ऊपर का हिस्सा सिलने के लिए हम वैसे ही एक बार इधर से लेंगे, एक बार इधर से, इस तरह करते हुए हम इस पूरे को ऊपर तक सिल लेते हैं और ऊन को हमारी को काट देते हैं। इस तरह उनको यहाँ पे नोट लगा के उनको हम काट देते हैं। हम इस कैप को सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद कुछ हमारी कैप इस तरह हो जाती है, इस ऊन को हम अंदर कर देंगे। ऊन हमारी अंदर आ गई, अभी कैप हमारी कुछ इस तरह हो गई। कैप हमारी बन गई। इस कैप में मैंने दो लाइनें निकाली थी, इसमें मैंने तीन लाइनें निकाली। आपको जो भी अच्छी लगे आप दोनों में से कोई सी बना लो, दो की बना लो चाहे तीन की बना। इस तरह हमारी ये कैप पूरी हो गई और ये हमारी ये पोशाक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।